इस वीडियो में हम बात करेंगे ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये शेयर BSE से बाहर देखने को इस समय क्यों मिल रहा है। फर्स्ट यदि आप स्लाइड में देखें जो आपके साइड में होगी एंड वहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको कि BSE में इस शेयर की मोमेंटम अभी लगभग बंद ही है एंड यहाँ पे कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। एंड साफ साफ आप देखें तो पेज यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन भी 2.70 रुपये पे लगातार शेयर में अपर सर्किट है। एंड जब भी यहाँ पे 1,33,00,000 से ज़्यादा शेयरों के बाइंग प्रेशर आज के दिन देखने को मिला है एंड ये बाइंग प्रेशर जो मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिला है ये कल के दिन रिप्लेस जरूर होगा एंड कल के दिन सुबह से ही आपको इस शेयर में अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। साथ साथ यदि आप इसके बाद भी देखें तो मार्केट में इस शेयर में अपर सर्किट लगने के साथ साथ शेयर का इस समय प्राइस 2.71 रुपये तक पहुंच चुका है। एक महीने में ही 76% के अराउंड की बढ़त ये शेयर आपको प्रॉफिट बनाते हुए दे चुका है। यदि आप ग्राफ में देखें तो शेयर का अप एंड अपसाइड लगातार 3 जून के बाद से ही स्टार्ट है एंड अभी भी शेयर यहां पे अपर सर्किट में सामने देखने को मिलता है। 1.21 रुपये जो शेयर का प्राइस 3 जून को था यहाँ पे, हाँ देन उसके बाद आप देखें तो लगातार बढ़त के साथ शेयर का अभी प्राइस 80% की बढ़त के साथ 2.71 रुपये तक जाते हुए देखने को मिला है। तो शेयर में एक जबरदस्त बढ़त के साथ इस शेयर में अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड पूरे 5G सेक्टर में हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हुए बात करेंगे इन दोनों शेयरों की, ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर ZTL लिमिटेड। बट उसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। मंडे के दिन आज के दिन अपर सर्किट के साथ इतना बड़ा बाइंग प्रेशर कल के दिन एक इंडिकेशन दे रहा है कि कल के दिन सुबह से ही इस शेयर में अपर सर्किट देखने को मिल सकता है।